आपने इसे किसने आज तक सोचा है, 18 साल उम्र हो गई है, कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम की कहानी क्यों सुना दी हमें? कभी सोचा है? हम तक तो नबी अलैहिस्सलाम से कहानी शुरू होती तो काफी था हमारे लिए, हजरत आदम की कहानी वो भी 7 दफा पै दर पै सुनाई जा रहे हैं अल्लाह ताला, बार बार बताई जा रहे हैं। क्या बताया अल्लाह ताला ने? कभी सोचा क्या किसी ने? एनीवन प्लीज थिंक कि हजरत आदम की कहानी का क्या सेंस है? हमें क्या बता, हमें क्या जरूरत थी वो जानने की? समझ लें, हजरत आदम के चैप्टर निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है? हम कहां से आए? वो तो अल्लाह बता रहे थे कि जन्नत से आए हो। अल्लाह ताला ने आपकी मशीन को बनाते वक्त मशीन की पूरी मैकेनिक समझाने के लिए आदम की स्टोरी सुनाई हुई है, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई ये तुम्हारी प्रोजेनी है, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू बिहेव, नो मैटर व्हाट यू गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट। अभी बताता हूं आपको, फिक्र नहीं करें, साइंस तो आप पहुंची है ना जाके, अभी बताता हूं आपको। इतनी खूबसूरत चीज, इतनी पावर थी आदम की कहानी में, इतना बड़ा, मतलब जब भी अल्लाह ताला इंसान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी साइकोलॉजी की ट्यूशन हो रही होती है अल्लाह ताला के, इंसान ऐसा है, इंसान वैसा है, इंसान वैसा है, ठीक है। आदम की स्टोरी के अंदर इतनी को खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने माइंड सर्जरी करके बता दिया आपको कि ये देख लो हुआ क्या तुम्हारे साथ, हु आर यू, आई विल टेल यू, तुम्हें सेल्फ चाहिए, ये लो सेल्फ की कहानी, ये आदम ने। अभी मैं, अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता ना, तो मैं आपको पूरा का पूरा नक्शा बना देता आपकी केमिस्ट्री का, मगर मैं आपको जबानी समझाता हूं इतनी सी सिर्फ एक केमिकल के थ्रू। ये बताएं कि सारे इंजीनियर हैं, बायोलॉजी पढ़ी है किसी ने? ओके, बेसिक केमिस्ट्री जो है ना, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूं कि आदम की कहानी में आप किधर प्लेस होते, मैं कैसे समझ गया, आप कैसे समझ जाएंगे। इतना साइंस से पता चल गया कि भैया बात सुने, देर आर सर्टन मैनुअल्स विच वर गिवन टू मी बाय माई मामी डैडी, चाचा मामा पुप्पो प्रोफेसर अंकल्स, दोस्त के अबू, सीनियर स्टूडेंट्स, ये सब मैनुअल देते, और एक अलग से मैनुअल अल्लाह ताला ने दिया हुआ था, वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, और ये सारे मैनुअल्स आयरोनिकली सबके सब उसके खिलाफ जा रहे। इसलिए हर जगह पर जाता हूं तो एक कंफ्यूजन के बबल के अंदर एंटर हो जाता हूं कि मैं करूं क्या। पाकिस्तानी की आइडेंटिटी अगर देखनी है तो इंडिया जाके देख लें, जाए इंडिया, आपको बताएंगे वो पाकिस्तानी क्या होते हैं। यस, आपको लिटरली मुंह में बताएंगे, पाकिस्तानी हो तुम तो, ये हो तुम तो, वो हो तुम तो, वैसे हो तो वैसे हो। जैसे यू गोना कम आउट ऑफ द पिक्चर, यू विल फाइंड आउट ओके, यू नो दिस इज व्हाट माय इंप्रेशन ऑफ माय आइडेंटिटी इज। बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको जरा सा जूम आउट करवाता हूं, अपनी बॉडी से जरा बाहर आए, आपको पता चले कि आपकी केमिस्ट्री करती है आपके साथ। हूएवर यू आर, जो अपनी मर्जी से ये समझ रहा है कि कपड़े भी अपनी मर्जी से पहन के आया है, सॉरी रॉन्ग, योर केमिस्ट्री इज डिजाइंड टू एक्चुअली लुक एट ए सर्टन लेवल एंड गेम ऑफ कॉम्पिटेंस, इसको हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं। आपका जो प्राइम केमिकल है ना, प्राइम केमिकल, उसका नाम है सेरोटोनिन, प्राइम केमिकल, 32 केमिकल इस सब पानी में एक छोटे से ग्लैंड के थ्रू रेगुलेट हो रहे, उनमें जो प्राइम केमिकल है ना, वो बताता है कि भैया तू करेगा क्या, तू चाहेगा क्या, तू करेगा क्या, और उसके बाद तेरे साथ होगा क्या। इसलिए कह रहा था 10 साल बाद की समीना का, मुझे अभी से पता चल गया था। आपके खाली होलिये देख के नहीं, आपके सवाल देख के, आपके एक्सप्रेशन देख के, द वे यू मूव, द वे यू बिहेव, वी कैन सी के ओके हु इज सेटिंग द डेफिनेशंस ऑफ दीज पीपल, दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप वो करता क्या सेरोटोनिन वो समझ लें, ताकि आइंदा के लिए आपकी उम्र में, एटलीस्ट आपकी उम्र में यह सबको क्लियर हो जाए कि भैया बात सुने, देर is a problem I have to solve, that I am going to live by the rules that I actually make myself. No matter I'm going to fail or pass, doesn't really matter. What matters is ki wo rule maine banaye the. Uske liye time kainat ko chahiye hoga, beshak fail hoti rahe. Koi baat nahi. Seekhenge tab. Kisi aur ki galti se to nahi koi seekhta bhai. Aur nahi seekhe, na hi seekhe hain abhi tak. Aur na hi seekhenge. अंकल और आंटी की गलतियों से हम नहीं सीखेंगे कभी, सिर्फ गालियां देंगे, रिग्रेट देंगे, और करेंगे मैं वो नहीं करूंगा अपने बच्चे के साथ जो मैंने, मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। बस ये जुमला बोलता, बस अरमान पूरे कर रही है। एक आंटी इस तरफ पाकिस्तान की, जो आप खवातीन के ऊपर हुए ना, आपके ऊपर पेरेंटिंग मॉडल पड़ता है, कौन सा लगा हुआ है, जो आपकी नानी की आंटी था, बस आपकी अम्मी कह रही है बस वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था, बस, और आप एज अ रिएक्शन टू नानी जवान हो गई। जैसे हम भी ऐसे हुए कि मेरा बाप बहुत सख्त था, मैं दोस्ती करूंगा अपने बेटे से, या मेरा बाप बहुत ही पक्का दोस्त था, मरवा दिए, मैं सख्ती करूंगा अपने बेटे से। जो भी था, रिएक्शन टू माय
माय बिहेवियर, रिएक्शन टू जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होने दूंगा, बस दैट्स इट. सो व्हाट इज योर केमिस्ट्री, व्हाट इज अल्लाह सुब्हानहू तआला सेइंग? सेरोटोनिन करता क्या है? आपकी हर वक्त जो भी घर में जो कुछ भी बातें हो रही होती है ना, आपका बच्चे का सेरोटोनिन चेक कर होता है, ओके व्हाट इज द गेम दैट वी ऑल ट्राइंग टू प्ले, व्हाट इज द गेम दैट वी ऑल ट्राइंग टू प्ले. 400 बंदों का सैंपल काफी है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ा ना स्टैट्स में आपने, 400 इज एनफ एफ अ सैंपल टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन अबाउट द इन्फिनिट पॉपुलेशन. रिमेंबर स्टेटिस्टिक्स. तो आपके खाली कमरे से मैं अभी सैंपल ले लेता हूं, आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है. ओके सो हम चीजों में, हम सब लोगों में, लड़कियां लड़के मिला के सब में क्या ये चीज कॉमन है कि हम कौन सी गेम खेलना चाह रहे हैं? पैसे. यस, वी आर हियर टू मेक मनी. यस, कैसे पता चला है? अब कैसे पता चला था? जब आप 6 साल के थे ना, तो अम्मी और अब्बू की डिस्कशन से पता चला था. उनको नहीं पता था आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता था आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं पता था कि आप सुन रहे हैं. सेरोटोनर्जिक रिएक्शन हो रहा था कि व्हाट इज द बिग वरी, फियर कहां से आ रहा है? पैसे कम होने से आ रहा है. मोटिवेशन कहां से आ रही है? पैसे ज्यादा होने से आ रही है. ओके सो दैट्स द गेम आई एम गोना प्ले. पहली आइडेंटिटी की बिना डाल दी, पहला नट अंदर चला गया. ओके आप सेरोटोनिन करता गया, गेम आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर उस गेम का अल्फा ढूंढता हो. यू थिंक कि ये 400 के सैंपल का तुक्का लगा है? इस्लामाबाद में, आई एम श्योर आप इस्लामाबाद में तो अभी आए हैं, मियां वाली में, पिंडी में, मानसहरा में, किधर किधर से आप लोग आए हुए, सबको अमेरिका में बैठे हुए बिल गेट्स का पता है. बिल गेट्स के मोहल्ले में 2-3 और बंदे भी हैं, उनका नहीं पता आपको. आपके अपने इलाके में 100 बंदे हैं, उनको नहीं पता, मगर न्यूयॉर्क में बैठे बिल गेट्स का पता. क्या पता है? दुनिया की सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी आपने निकाल ली है. आपको सीरियसली नहीं पता आपके अब्बू के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपको पता है, मगर बिल गेट्स के अकाउंट का पता है. सो कुछ तो हुआ इधर. यू कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ मैथ, समथिंग एल्स डिड दैट काइंड ऑफ मैथ. लड़कियों को भी पता है? जी हमें भी पता है. लड़कों को भी पता है? जी हमें भी पता है. सो हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज सर बिल गेट्स जो है ना, इस वक्त उस गेम का अल्फा है जिस गेम को मेरे अम्मा पापा बचपन में खेल रहे थे. दैट्स इट. ये अल्लाह ताला आपको बता रहे थे कुरान पाक में आदम की कहानी से. आप गौर से पढ़े आदम की कहानी क्या थी. आदम की कहानी पे अल्लाह ताला ने सबसे कहा इनको जन्नत में पैदा किया था, आदम में. ओके जन्नत के लिए था, जो मर्जी करो, दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई यू. ओके सो इसका मतलब है कि वी आर ऑल हियर स्टक इन दिस लिटिल थिंग कॉल्ड प्लैनेट अर्थ. असल में किसी और जगह के लिए, कुछ और करने के लिए बने थे. यस या बिल्कुल यही बताया अल्लाह ताला ने. तो इसीलिए अच्छा, तो वहां पे क्या होता था? वहां पे सर जो चाहते थे होता था. वहां पे मेरे पास कुन की पावर थी, मेरे बाप के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास. अच्छा तो उससे क्या होता था? उससे सर मेरे प्लैनेट जो भी मेरे पास था सब मेरे अंदर ताबे थे. तो इसीलिए हर लड़का इस वक्त हर एक को ताबे करने की कोशिश कर रहा है. आदम का बच्चा हूं भाई, जन्नत के लिए बना. प्रोजेनी खुद बताएगी मेरी आइडेंटिटी क्या है. आई वॉन्ट टू कॉन्कर एवरीथिंग, एवरी वन शुड लिसन टू मी, सब मेरे ताबे हों. और सर सारी औरतें चाहिए, है ना? यस, बड़ा जनती किस्म का आदमी है. यस, जनती किस्म का आदमी है. आ जाए हवा की बेटी पे. सर क्या चाहिए बेटा? सर कुछ नहीं चाहिए, बस सारी उम्र के लिए जवान रहूं और बस सबसे खूबसूरत मैं ही हूं. बड़ी जनती किस्म की औरत हो. यस, जनती किस्म की औरत हो. सर जन्नत के लिए बनी थी, ये जेल काट रही उधर. आप इस प्रोजनी के थ्रू आप देखिए ह्यूमन बिहेवियर नीचे क्या आ रहा है. पैसे तो आने ही आने थे टेबल के ऊपर बेटा, क्योंकि पैसे से क्या आता है? पावर आती है. तो पावर आपकी प्रोजनी के अंदर से चीख मार के बताती है कि भाई पावर चाहिए. पावर के लिए पैसे की गेम शुरू करनी पड़ी हमें. अंडरस्टैंड व्हाई वी डू दिस इफ यू ओनली नो हाउ टू नो कि आपकी मशीन बोलती क्या, आवाजें क्या निकालती है. आप क्या समझ रहे हैं? स्विट्जरलैंड को कुरान पाक के मुताबिक टूरिज्म का प्लान बनाया गया है, मुस्लिम कंट्री है. या मलक रियाज कुरान की आयतें पकड़ के बैरियर टाउन डिजाइन करता है. हर दुनिया के टॉप 10 टूरिस्ट स्पॉट्स कुरान पाक से क्यों टैली करते हैं? पूरी दुनिया नेचुरली उन जगहों पर जाती है जहां पे जन्नत तजरी मिन तहती अलनहार होता है. पूरी दुनिया पहुंची होती है, सब्जा हो, पानी बहता हो, नीचे नहरें हो. सर वहां पे $500 पर नाइट भी मैं ले लूंगा कमरा.
आपकी केमिस्ट्री खुद चीखे मार के आवाज लगा रही है और मशीन का मैनुअल सामने पड़ा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैनुअल के अंदर से आपकी मशीन बता रही है F-16 है बेटा, तू F-16 है, इसके साथ कोई और पैसेंजर प्लेन वाली हरकतें ना कर ली। अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड यू नो व्हाई इट वर्क्स। आप इंजीनियर हैं, आपको तो बेहतर पता है एल्गोरिथम्स कैसे रन करते हैं ना। इफ यू कैन रिवर्स इंजीनियर द हाउ, यू विल नो द व्हाई। दैट्स द गेम दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। व्हाई डू यू थिंक गर्ल्स वांट टू गेट मैरिड? व्हाई डू यू थिंक बॉयज वांट टू बी रिच? दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त कौन सी है? नहीं, आर्मामेंट्स की है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आर्मामेंट्स की है। टोटल 6 कंपनियां वो आर्मामेंट्स चला रही हैं हथियार बनाने की, विच रिप्रेजेंट्स पावर। आदम का बच्चा है, पावर तो चाहिए थी उसको। नंबर 2 कौन सी है? स्कॉच फैशन होती, सिर्फ ये वाला फैशन, कॉस्मेटिक्स। जी नहीं, कॉस्मेटिक्स इज नंबर 2, और डे लाइट का डिफरेंस है नंबर 2 और नंबर 3 में। जितने भी एप्पल कंप्यूटर सैमसंग सब टेक्नोलॉजी मिला के, सब इंजीनियरिंग मिला के, नहीं पीछे पीछे लिपस्टिक सबसे आगे। सोचे तो सही, ये कोई मजाक हो रहा है? योर आइडेंटिटी हैज टू बी लैंडस्केप समवेयर। इट वाज लैंडस्केप राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मेन वांटेड पावर, वुमेन वांटेड एवरलास्टिंग ब्यूटी। ओके okay, so okay, we get the big problem. How to solve this? No, you don't have to solve this problem. You have to actually enjoy this problem. Play around it and channel it. कि भाई अच्छा मैं करूँ क्या? इसके नुकसान है फायदे हैं? सिर्फ नुकसान है बेटा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं इस चीज की तरफ गया हूं, डिप्रेशन के दौरे पड़े, मेरी बॉडी रिएक्ट कर गई है एंड मैं अस्पतालों में पाया गया हूं। जन्नत में अय्याशी थी, कुछ ना करें, यहां पर कुछ ना करें, बेड सोर्स, शुगर, फटीग, ओबेसिटी, लेथार्जी, कैंसर, तो क्या करूं? जिम जा बेटा। मगर जिम में तो सर वेनेडोल उठाना पड़ता है। हाँ, इनकन्वीनियंस के लिए डराया हुआ है, वहां पर कन्वीनियंस थी। शाबाश, उल्टा चक्का कर दिया अल्लाह ने। आदम की कहानी को समझें, आपको पूरी की पूरी आपकी कोई ऐसे MRI डायग्राम की तरह, एक्सरे डायग्राम की तरह आपको सेल्फ नजर आने शुरू हो जाएगी।